हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने पर मजबूर नहीं कर सकते होटल और रेस्टोरेंट। पीड़ित उपभोक्ता कर सकेंगे शिकायत। नई दिल्ली में अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट अपने फूड बिल में बाय डिफॉल्ट सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकता। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सोमवार को अनुचित व्यापार तरीकों को रोकने और होटल तथा रेस्टोरेंट में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा, CCPA द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होटल या रेस्टोरेंट भोजन बिल में डिफॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। सेवा शुल्क की वसूली किसी अन्य नाम से भी नहीं की जाएगी। बयान में कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है। उपभोक्ता पर सेवा शुल्क के आधार पर रेस्टोरेंट या होटल में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यही नहीं, सर्विस चार्ज को भोजन के बिल की राशि में जोड़कर या उस पर GST लगाकर भी नहीं वसूला जा सकता। नई गाइडलाइन के मुताबिक उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्टोरेंट से बिल राशि से सर्विस चार्ज हटाने के लिए कह सकते हैं। बयान में कहा गया है कि यदि उपभोक्ता को पता चलता है कि कोई होटल या रेस्टोरेंट इन दिशा निर्देशों को दरकिनार कर सेवा शुल्क ले रहा है तो उपभोक्ता बिल राशि से सेवा शुल्क हटाने के लिए होटल या रेस्टोरेंट से अनुरोध कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कहा कि यदि कोई होटल या रेस्टोरेंट किसी उपभोक्ता से सर्विस चार्ज वसूल करता है तो उपभोक्ता 1915 पर कॉल करके या NCH मोबाइल ऐप या ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता उपभोक्ता आयोग के साथ अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकता है। जागरूक TV के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।